टीस कवरिंग टुडे जो चैप्टर है उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज तूतनखामुन? तूतनखामुन कौन था? ए जियोलॉजिस्ट, ए साइंटिस्ट एंड इजिप्टियन किंग है, ए हिस्टोरियन। तो हम देखते हैं एन इजिप्टियन किंग था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड टुट डाई? टुट की मृत्यु कब हुई थी? व्हेन ही वॉज टीनेजर, व्हेन ही वॉज ओल्ड, व्हेन ही वॉज इन मिडिल एज, व्हेन ही वॉज चाइल्ड। व्हेन ही वॉज टीनेजर किशोर अवस्था का था तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। हु डिस्कवर्ड टुट्स टूम एंड व्हेन? जो टुट था, तूतन का मुन था, उसकी डेड बॉडी को और किसने और कब खोजा था? तो हम देखते हैं कि हॉवर्ड कार्टर ने इन 1922 में, हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में उसकी डेड बॉडी को और डिस्कवर किया था। व्हेन वॉज टुट्स बॉडी टेकन फॉर स्कैन, सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड? कि टुट है उसकी डेड बॉडी को और खोजने के पश्चात है, व्हेन वॉज टुट्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन? और टुट है उसकी डेड बॉडी को सिटी स्कैन के लिए कब ले जाया गया? आफ्टर बीइंग फाउंड, उसकी डेड बॉडी को खोज लेने के पश्चात है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर हम देखते हैं 80 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, आफ्टर 80 ईयर्स कि 80 वर्ष पश्चात है और टुट की डेड बॉडी का सिटी स्कैन किया गया, उसकी डेड बॉडी का मतलब है खोज लेने के पश्चात है। तो इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा। फोर, हाउ मेनी ईयर्स डिड एमेनहोटेप थर्ड रूल इजिप्ट? एमेनहोटेप तृतीय ने मिस्र में कितने वर्ष शासन किया था? तो आपको पता ही है 40 ईयर्स, 4 डिकेड्स तक किया था उसने। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन द सन डिस्क? वो कौन था जिसने सूर्य की पूजा को बढ़ावा दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं तूतनखामुन, एमेनहोटेप थर्ड, एमेनहोटेप 4, नन ऑफ दी अबव। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सी है, एमेनहोटेप चतुर्थ ने जो हम देखते हैं सूर्य की पूजा है उसको बढ़ावा दिया था। व्हाट नेम डिड एमेनहोटेप फोर्थ चेंज टू? और एमेनहोटेप जो चतुर्थ था उसने अपना क्या नाम बदल कर रखा था? तो आपको पता ही है कि क्या नाम रखा था, आखिंटेन। क्या रखा था? आखिंटेन रखा था। हाउ मेनी ईयर्स डिड तूतनखामुन रूल इजिप्ट? कि तूतनखामुन ने मिस्र में कितने वर्ष शासन किया था? तो आपको पता ही है 9 ईयर्स। व्हाट वॉज फाउंड विद तूतनखामुन डेड बॉडी? तूतनखामुन की डेड बॉडी के साथ में और क्या पाया था हॉवर्ड कार्टर ने? कि आपको पता ही है गोल्ड है, इजिप्टियन गोल्ड कोइन है, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी है, गोल्ड है, वेल्थ है, ब्रॉन्ज रेजर है, गेम्स है, क्लॉथ है, केस ऑफ फूड है एंड वाइन, ये सभी उसकी डेड बॉडी के साथ है और मिली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब है टुट्स टूम? जो तूतनखामुन है उसकी डेड बॉडी का आप कैसे है वर्णन करोगे? तो हम देखते हैं कि गोल्ड प्लेट थी, रॉक कट चट्टान है उसको काट के बनाई थी, वॉल पेंटिंग विद गोल्ड प्लेट, और दीवार पर उसको गोल्ड प्लेट से बनाया गया था। यहाँ पर डी सही है बिल्कुल ही, रॉक कट चट्टान को काट के बनाया गया था, 26 फिट अंडरग्राउंड जमीन में
26 फीट गहरी थी, विच हैड वॉल पेंटिंग, जो कि एक वॉल पेंटिंग पर और थी, एक दीवार पर थी वो की। इसका डी रहेगा, वॉट वॉज इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले ताबूत में क्या था? तो आपको पता ही है, गार्लैंड ऑफ ओलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर, ये सभी थे पहले, क्योंकि उसकी तीन जो डेड बॉडी थी, थ्री लेयर्स में थी, तीन परत में थी। पहले परत में क्या थी? मालाएं थी, जिसमें ओलिव्स थी, ओलिव्स की, लोटस पेटल्स और कॉर्न फ्लावर से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डिड दी थर्ड कॉफिन पुट ए कार्टन इंटरवल, कि जो तीसरा कॉफिन था, ताबूत था, और उसने हॉवर्ड कार्टर को मुसीबत में क्यों डाल दिया था? तो इसमें हम देखते हैं, क्योंकि the resins used to cemented total to the bottom of the solid gold coffin, कि जो टोटा है उसकी डेड बॉडी को दफनाने के लिए, जो कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो पदार्थ यूज में लिए गए थे, बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, वो थे जो गोल्ड का कॉफिन था, ताबूत था, उससे चिपक गए थे, जिसके कारण ना उसकी डेड बॉडी थी और भी हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेसिंस है, उन पदार्थों को कार्टन ने टट की डेड बॉडी से कैसे हटाए थे? तो इसमें हम देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ द चेसिल एंड हैमर, छेनी और हथौड़े की सहायता से हटाए थे। हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टोटे, कि हॉवर्ड कार्टन है जो टोटे है उसकी डेड बॉडी को कैसे काटा था? तो आपको पता ही है, फर्स्ट है और पहले तो उसका सिर को अलग किया, और फिर है उसकी लिम्ब जो है, और प्रत्येक लिम्ब जो है उसको, उंगली वगैरह है उनको अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी, कि टोटा है उसकी डेड बॉडी को काटने के पश्चात है कार्टर और उसके सहयोगियों ने क्या किया था? तो आपको पता ही है, दे प्लेस इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, और मिट्टी है उसकी परत पर उसे और रख दिया था उसकी डेड बॉडी को। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सी सही है। व्हेन वाज द मम्मी एग्जामिन्ड इन एक्सरे बाय द एटॉनमी प्रोफेसर, एटॉनमी प्रोफेसर ने, और एक्सरे व्हेन वाज मम्मी एक्सप्लेन, और जो टट है उसका जो परिरक्षित सब था उसका एक्सप्लेन है एक्सरे के माध्यम से कब किया था एटॉनमी प्रोफेसर ने? तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं, 1968 में किया था। What facts were revealed when the mummy was X-ray in 1968? 1968 में जो X-ray के माध्यम से और जो टटा है उसकी डेड बॉडी थी उसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई? तो हम देखते हैं कि his breast worn and front ribs were missing, कि उसके जो कि सीना है उसकी हड्डियाँ और सामने की पसलियाँ थी वो गायब थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन वाज टोट्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन इन द 21st century, 21वीं शताब्दी में जो टोटा है उसकी डेड बॉडी को सिटी स्कैन के लिए कब ले जाया गया था? तो आपको पता ही है कि जनवरी 5, 2005 को ले जाया गया था। इसमें ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज स्कैन सिटी स्कैन स्टैंड फॉर? जो सिटी स्कैन है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है इसका फुल फॉर्म, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? जो सहयोगी व्यक्ति थे वो स्कैन के लिए और टट की बॉडी को कैसे उठाया था उन्होंने, तो हम देखते हैं थ्रो दी और स्टेयर्स ऑन ए हाइड्रोक्लिक ट्रेलर। एक हाइड्रो जो कि हाइड्रोक्लिक ट्रेलर की सहायता से उसकी डेड बॉडी को उठाया था। Why did the procedure stop in between? जो प्रक्रिया थी सिटी स्कैन की वो बीच में कैसे है रुक गई थी? As स्फीयर फैन वर्किंग और स्टॉप वर्किंग, अतिरिक्त जो फैन थे वो उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया था। As the light went off, लाइट चली गई थी। As the lift broken, तो यहाँ पर देखो ए बिल्कुल सही है, जो स्फीयर फैन थे उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया था। When was torso body taken back in his tomb after city scan? सिटी स्कैन करने के कितने घंटे पश्चात है जो टोटा है उसकी डेड बॉडी को वापस है वो लाया गया था? तो आपको पता ही है कि इसमें थ्री आवर्स तीन घंटे पश्चात बी होगा इसमें करेक्ट। What is the cemetery of Tut Cold? जो टोटा है उसका कब्रिस्तान क्या कहलाता है? आपको पता ही है वैली ऑफ किंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैली ऑफ किंग्स। यहाँ पर टोटा है उसका जो कब्रिस्तान है वो क्या कहलाता है? वैली ऑफ द किंग्स के नाम से। हाउ डिड टोटा डाई? टोटकी कैसे मृत्यु हुई थी? इट इज ए मिस्ट्री। ड्यू टू हार्ट अटैक, ड्यू टू कैंसर, ड्यू टू वॉर, एक रहस्य है उसकी मृत्यु। हु सैड, किसने कहा था टोट इज इन ए वेरी बैड कंडीशन? कि टोट है बहुत ही खराब कंडीशन में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वॉट कार्टर डिड इन दी 1920, कि 1920 के दशक में कार्टर ने जो कुछ किया था इसके कारण टोट का जो डेड बॉडी है बहुत ही खराब कंडीशन में है। इसमें हम देखते हैं किसने कहा था, जाही हवास जो कि मिस्र का आर्कियोलॉजिस्ट है उसने कहा था। टोट वॉज लेट टू रेस्ट, और टोट है उसको दफनाया गया लेडन विद, किसके साथ में? गोल्ड है, एल्युमिनियम है, प्लेटेनियम है और सिल्वर है। तो आपको पता है किसके साथ? गोल्ड के साथ है और दफनाया गया था। व्हेन डिड टोट डाई? और टोट है उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपको पता है मोर देन 33 ईयर्स अगो, 3300 वर्ष पहले टोट की मृत्यु हुई थी। When was Tut lavished with? और Tut था उसको दफनाया गया था, किसके साथ दफनाया गया था? कि glittering gold है, चमकते हुए और सामान वगैरह है जिसमें प्रीसस कॉलर्स है, इनलेट नेकलेस है, ब्रिसलेट है, रिंग्स है, एम्यूलेट्स है, सेरेमोनियल एप्रोन है, सैंडल है और सीस फॉर द फिगर्स टूज ऑल द प्योर गोल्ड। ये सभी किसके थे? प्योर गोल्ड के थे। हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज थ्रू द डिकेड्स? पिछले दशकों में जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग है उसमें क्या बदला आया है? फोकस लेस ऑन ट्रेजर, इसका क्या है? फोकस है खजाने पे तो नहीं के बराबर रहा है, मोर ऑन दी फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्री ऑफ डेथ, मृत्यु के रहस्य है और जो आकर्षक जानकारी है जीवन की उनके बारे में दिख रहा है। तो इसमें सी रहेगा। हु इज ए ओरी ओसीरिस? हु इज ए ओसीरिस? ओसीरिस कौन है? तो आपको पता है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ।
ये ओसीरिस है।